महानगर स्थित मुक्तिधाम राजघाट राप्ती नदी तट पर शनिवार को जिला आपदा प्रबंधन और एनडीआरएफ के द्वारा मेगा मार्क ड्रिल कर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। आम जनमानस को यह संदेश दिया गया कि किसी भी प्रकार की आपदा आने पर एनडीआरएफ के साथ साथ और भी जितनी एजेंसी है जैसे एसडीआरएफ, पीएसी और आपदा मित्रों की टीम लोगों के बचाव के लिए तैयार है। किसी भी आपदा या दुर्घटना में प्रतिक्रिया और कुशल प्रबंधन के लिए विश्वव्यापी इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम अर्थात आईआरएस को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रणाली के तहत मार्क ड्रिल के दौरान जिले के तमाम एजेंसियां जैसे जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड, नगर निगम, जिला चिकित्सालय, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, अग्निशमन विभाग, सिविल डिफेंस, पीएसी और अन्य एजेंसियों ने आपसी सामंजस्य के साथ राहत खोज और बचाव कार्य किया। इसी क्रम में गोरखपुर में एक मेगा मॉक एक्सरसाइज किया गया। इस मॉक एक्सरसाइज के दौरान एनडीआरएफ को जिला प्रशासन द्वारा सूचना दी गई कि राप्ती नदी के किनारे बसे ग्राम शेरगढ़ में नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण पानी भर गया है, जिससे आवागमन की सुविधा ठप हो गई है और उन्हें तत्काल राहत और बचाव कार्य की जरूरत है। सूचना प्राप्त होते ही एनडीआरएफ की टीम कमांडर इंस्पेक्टर डीपी चंद्रा अपने बचाव कर्मियों, मोटर बोट, लाइफ जैकेट, डीप डाइविंग सेट और अन्य जरूरी उपकरणों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हो गए। एनडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस ने एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिससे टीम जल्द ही स्टेजिंग एरिया में पहुंच गई। इस स्थिति में सदैव की तरह एनडीआरएफ के जवानों ने दिन रात अपने अथक परिश्रम से लोगों को भीषण बाढ़ से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर सूचना मिलती है कि अचानक यात्रियों से भरी एक नाव नदी में पलट गई और उसमें बैठे लोग नदी के तेज बहाव में डूबने लगे और मदद की गुहार लगाने लगे। यह देख स्थानीय लोग भयभीत हो गए, लेकिन तभी अचानक एनडीआरएफ की बचाव कर्मी अपनी मोटर नाव पर सवार होकर डूबते लोगों की सहायता करने पहुँच गए। तुरंत बचाव कार्य करते हुए एनडीआरएफ के बचाव कर्मियों ने सभी लोगों को विभिन्न तरह की तकनीक जैसे हेटो चिंटो मेथड से बाहर निकाला और मेडिकल कैंप में पीएचटी देकर उन्हें स्थानीय अस्पताल के लिए रवाना किया। इस एक्सरसाइज के माध्यम से जिला प्रशासन और विभिन्न रेस्क्यू एजेंसियों में आपसी तालमेल को बनाने में सहायता मिलेगी और प्रदेश में आने वाली बाढ़ में बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा। स्मोक एक्सरसाइज में आपदा मित्रों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गोरखपुर जिले के आपदा मित्र बहुत ही एक्टिव दिखे, जो कि एनडीआरएफ द्वारा 14 दिनों की ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही साथ पिछले 4 दिनों से राप्ती नदी के तट पर उन्हें बचाव तकनीकियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा था। कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस मॉक ड्रिल का मकसद गोरखपुर की जनता के बीच सुरक्षा की भावना जागृत करना है। बाढ़ या किसी अन्य आपदा आने पर आपदा प्रबंधन टीम हर वक्त आम जनमानस की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारी गोरखपुर जनपद पुलिस के साथ एनडीआरएफ व एसडीआरएफ तथा पीएसी की टीम हमेशा किसी भी आपदा से निपटने के लिए तत्पर है। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित, ज्वाइंट सेक्रेटरी एनडीएमए रमेश कुमार गंटा, जिला आपदा सलाहकार गौतम गुप्ता, निरीक्षक गोपी गुप्ता, उप निरीक्षक विक्रम सिंह, ब्रजभूषण यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एनडीआरएफ के टीम कमांडर इंस्पेक्टर डीपी चंद्रा और एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, काट भी सकते हैं, चाहे ऊपर भी ऐसे काट सकते हैं, जंगल में कोई दीवार की उपकरण मान लो कोई मेडिकल हेल्थ पर अपनी रिपोर्टिंग करें, बिना मास्क लगाए इस कैंपस में प्रवेश वर्जित है। और जो फ्रंट वाला है आगे वाले आप लोग देख लीजिए, आप लोग क्यों नहीं है, चलिए।
हमारे लिए बहुत ही हर्ष का दिन है कि आज हमारे आपदा प्रबंधन क्षेत्र के जो सबसे बड़ी एजेंसी है, जिसके नेतृत्व में पूरा राष्ट्र कार्य करता है, आज हमारे बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की टीम हमारे बीच यहां पर उपस्थित है। और इस टीम का नेतृत्व हमारे आदरणीय राजेंद्र सर द्वारा किया जा रहा है, जो कि माननीय सदस्य हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के। मैं सर आपका स्वागत करता हूं सर, जिला प्रशासन और जनपद गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक की तरफ से सर आपका स्वागत है सर। अगर आप देखें सबसे ऊपर कैंपिंग राशि 134 किलोमीटर तक की सर तरियु, ये हमारे सर गांव हम लोगों ने मैपिंग कर रखी है, लो फ्लड लेवल, मीडियम फ्लड लेवल और हाई फ्लड लेवल पे 86 फ्लड पोस्ट हैं सर, सारे तहसीलों को मिला के, और सर्च लाइट वगैरह उपलब्ध कराए हैं सर। लगभग 1,13,000 के आसपास का पूरा एरिया सिक्योर्ड होता है एम्बैंकमेंट से। इसके अंतर्गत मुल्तानी और डोमीगढ़ से आच्छादित ग्रामों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है सर, कृपया आवश्यक कार्रवाई कराएं। आवश्यक संसाधनों के साथ मुक्ति धाम के गढ़ पर पहुंचना है, सभी थाने सभी चौकियाँ मैपिंग हम करेंगे। सर ये आज भी टीम पीओसी को एक्टिवेट कर रखी है, ये ग्रीन कॉरिडोर टीम को टाइमली पहुंचने के लिए, जिसको सर एक तहसीलदार रैंक के ऑफिसर इसको लीड करते हैं सर, ताकि एसडीएम सऊदी चौरा सर है सर, हम लोगों के जो रिलीफ शेल्टर होम्स हैं सर, उसको एक मॉडल रिलीफ शेल्टर होम ये बनाया गया था। फूड पैकेट गिराए जाएंगे, ये सर कोडिंग कर रखी है ताकि शॉपर्स को ये क्लियर रहे कि कहाँ ड्रॉपिंग करनी है सर, ये पूरे तहसील की कोडिंग हो रही है। फिर उसके बाद इन लोगों को एयरफोर्स ने यूज किया सर। राजेश कुमार जी, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर सर। यहाँ पे अभी हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी लाइन अप हो गई, हमारे आपदा मित्रों को हम लोग अंदर कर दिए, यहाँ से लेकर के लास्ट तक लगे हुए हैं। अब आज का कार्यक्रम हम लोग सर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सूचना मिली है, अभी सूचना मिली है वायरल सेट के माध्यम से, हमारा अमृतानी, शेरगढ़ और बहरामपुर की तरफ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और मैं जितनी भी रिस्पांस एजेंसीज हैं उनको निर्देशित करता हूं कि वो तुरंत लाइनअप हो जाएं और अपनी अपनी एक्टिविटी प्रारंभ कर दें। प्रोटोकॉल के दौरान सर काफ़ी लोगों ने बिना डर के काम किया और वहां पर अपनी सेवाएं दी। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग सर लगातार लगे रहे, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो 2400 घंटा सर जागता है सर। ये अच्छा हो गया सर, आपदा सखी बिल्कुल सर, सर बिल्कुल सर। मैं गौतम जी को बात से इस बात में रखता हूँ, जिसमें रखा है ये हमारे आज के हीरो हैं, आपदा में तो आज के नहीं पूरे साल भर ये हमारे हीरो और मैं पूरे गोरखपुर प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कोविड के टाइम पे भी इतनी व्यस्तता के बावजूद सब विभागों ने मिलकर के इस कार्य का आयोजन किया है। इसके साथ ही
मैं इसलिए भी यहाँ आया हूँ कि एक तो मेरे आपदा मित्र हैं, इनसे मिलना था, और इन आपदा मित्रों से मिलने के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल वाहिनी और पीछे पीएससी लोगों से मिलने के बाद, सिविल सोसाइटी जो है यहाँ पर, इन सबसे मिलने के बाद एक बात तो ये मैंने आज गोरखपुर में महसूस की है कि जो सिविल सोसाइटी इन सबका जो हम कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, सामुदायिक जो हमारा जो एक साथ मिलकर के काम करने का प्रबंधन है, वो इसका बेहतरीन नमूना जो आज मुझे गोरखपुर में देखने को मिला है, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और हमारी तरफ से शाबाशी है। जैसे कि गौतम साहब ने कहा है कि 134 किलोमीटर का जो वापसी का जो जो ये एरिया है और गोरखपुर में 6 नदियों का जो ये महागम है और वो जो है हमेशा 1,00,000 से ज़्यादा हेक्टेयर जल भूमि जो भूमि है इस पर जो है जलमग्न हो जाती है, इसके लिए आप लोग के की जितने भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, इसलिए आप सब लोग इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं और पूरा प्रशासन जिस तरीके से इस चुनौती को निभाता है और उसका सामना करता है उसके लिए प्रशासन को और सब लोगों को, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आपके इस नेतृत्व को देख करके और आपके इस अनुभव को देख करके ही आज एनडीएमए के पास, भारत सरकार के पास हर राज्य ने ये मांग की है कि हमें भी आपदा मित्रों की जरूरत है। तो एक वर्ष में जहां हमने 25 राज्यों में 30 जिलों के लिए 6,000 लोगों की आपदा मित्रों की हमने नियुक्ति की है, अभी फेज 2 में हम करीब करीब 350 जिले पूरे भारतवर्ष में और वहां हमने 1,00,000 लोगों के अगले 3 साल में हम इसका लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं। तो हर जिले में यूपी के अंदर जो है 25 जिले और ऐसे होंगे जहां आपको 200 से 300 हर जिले में आपदा मित्र मिलेंगे और साथ ही इस फेज 2 में हमने एक बात और तय की है, आपदा मित्रों के साथ साथ आपदा सखी जो महिला है 25% जिसमें जो है हमने आपदा सखी जो है इसका नियोजन इसमें हमने किया है। आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमें गौरवपूर्ण, मुझे तो खैर पहले बार ये मौका मिला है इस पुण्य भूमि पे आने का, गोरखनाथ जी के दर्शन करने का और आप सब लोगों से मिलने के लिए। आप इसी तरह से अपना जो है जो जोश है उसको कायम रखिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए साल भर अपने के साथ, जब आपको यहाँ आपदा ना हो उस समय भी आप दूसरे एक दूसरे से मिलते रहिए। और जो माननीय प्रधानमंत्री का जो एक उन्होंने जो इसमें एक पुष्टि की है इस चीज़ की कि स्वच्छ भारत अभियान, इसमें भी आप लोग जो है अपना योगदान दे सकते हैं। साथ ही साथ जब तक कोविड जो है ये कोरोना जो चलता रहेगा, इसमें जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी एक हफ्ता पहले जो है एक ऐप लॉन्च किया है, 100 गज की दूरी जरूरी है मास्क और उसके साथ हाथ जो सैनिटाइज करना है, 20 सेकंड तक जो है हाथ को धोना है, ये चीज भी आप लोगों को फॉलो करनी है। प्लस फॉलो करने के साथ हर आदमी को, हर सिविलियन को ये बताने का है अपना आस पड़ोस में कि इसके लिए इसकी क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यकता है और क्यों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों से मिलने का इतना सौभाग्य मुझे मिला है। मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को, यहाँ के विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपकी एक्सरसाइज को लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद। आप लोगों को मालूम है एनडीआरएफ की टीम बहरामपुर और एसडीआरएफ शेरगढ़ और पीएसी की जो जलवाहिनी है ये अमृतानी के लिए मार्च करेगी और जो सूचना है कि बाढ़ में काफ़ी लोग फंसे हुए हैं उनको सकुशल रेस्क्यू करके ले आएगी। सभी लोग मार्च करें। नहीं रुका, एक मिनट, शंभू को लगाना तो चला जा, चल जा, हम तो बधाने जा रहे हैं, कारमोल कारमोल, हाँ हाँ, चलो चलो, बैठ बैठ बैठ, काबिल
राम से कर दू, राम से कर दू। परिवहन विभाग द्वारा जो वाहन उसको भी कवर कर लेंगे। पंद्रह कमांडर है ना, किस किस में जनरल साहब बोलेंगे तभी होगा। नहीं नहीं वो बंदा आ रहा है, वो बोट आ रही है। हाँ चलो उनके पास जाएंगे सर, ले चलो ले चलो, आप बाहर निकालो हमको। आगे सटो है जो तरीका होता है, एल एल एफ मेथड होता है, लूप लिटल फील। लूप हम क्या देखेंगे, जो चेस्ट है प्रॉपर राइज एंड फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लिसन जो नाक से जो साउंड है वो नॉर्मल आ रहा है कि नहीं, अगल से ऊपर है। अगर जिस बच्चे की उम्र 1 साल से अगर 9 साल है तो आप सिंगल हैंड से देंगे इस तरीके से, ये तो प्रेशर ज्यादा होगा और रिप जो बोन है वो फ्रैक्चर होने की संभावना रहेगी। ऑन माय कमांड 1 2 लेफ्ट अप, घुटने तक क्लिक करेंगे, पूरा रिस्पेक्ट लाएंगे, मूव करेंगे। उसके बाद यहां पे जैसे हमको खबर मिलती है कि एम्बुलेंस पहुंच गई है, तो उसको जो कि हमसे चलो 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 लग गई है इसके चक्कर में। उसके अंदर जो है लाइफ बॉय रिंग है, लाइफ बॉय रिंग जो है उसमें रोप भी लगाया कर रेस्क्यू में भी इस्तेमाल करते हैं, इसे फंस सकते हैं या स्विम कर सकते हैं। उसके बाद सर सेकंड लास्ट नंबर में आता है सबसे थर्माकोल राफ्ट, जिसको यही बनाया गया है। थर्माकोल का 4-5 लेयर करके इसको रखा गया है, पॉलीथीन से इसको मोटी भी किया जाता है, चाहे वो बिल्डिंग को जीतों पर एक्सरसाइज हो या ब्लड हो या चीज हो। सर इनका कार्य काफी सराहनीय रहा। किसी भी आपदा के दौरान सर कोई इस तरह की कैजुअलिटी न होने पाए, इस बार सर हमारे वहाँ करीबन 1-2 बार बोट कैप्साइज हुआ, घाट पे नहाने चला गया और अपने उसमें उनमें से किसी लोगों का हादसे में डेथ हुई बाढ़ में, लेकिन इस बार कहीं तैयार हो जाएगा और एग्जैक्टली सर कम्युनिटी बेस्ड DRR की जो बात है सर वो हम लोग सफल हो जाएंगे सर उसमें। फिल्म इस पे लगाएं सर, एक फिल्म हम लोगों ने बनाई है आई एम आपदा मित्र। ड्रोन टीम इसको ड्रोन से भी कवर करें, फटाफट इसको। किसी भी आपदा में आपदा मित्र एक अनिवार्य कड़ी है। गोरखपुर प्रदेश का एक ऐसा जनपद है जिसमें लगभग 200 आपदा मित्र स्वयंसेवक के रूप में कार्यरत हैं।
these youngsters basically are born and brought up in this area. They are already have a first-hand information about the terrain of the situation and how to handle the situation. And when they, when we are asked as a volunteer and recruit as a volunteer, they are very willing to cooperate with us. इनका चयन तहसीलों के माध्यम से किए जाने के उपरांत यह 8 बैचों में वाराणसी गए और वाराणसी में एनडीआरएफ के माध्यम से इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है जिस तरह खुशी वाला का मौका है और एक हमारा हिम्मत वाला की मौका है। जिस तरह कोविड का टाइम है हमने हमेशा ये सोच रहे थे ना, मतलब अप्रैल से हम बाहर फील्ड में जाके हम आपके साथ रहना चाहिए और जो नॉर्मल काम चल रहा है उसका काम करना प्रेरित करना है। सो खुद किस्म भी यह है, हमारे मेंबर राजेंद्र सिंह वो बहुत हिम्मत है, हमको भी बहुत सपोर्ट भी किया सो आने के लिए, और खास करके हम गोरखपुर इस तरह चूज़ किया। इधर जो प्रशासन है इधर सबसे पहले मेंबर बन जैसे काम भी कर रहे हैं और हमारे सामने देखा जिस तरह मित्रों हैं सारे और आपका सखी भी है, ये सारे देख के आपको बहुत मन खुश हो रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जो अपस्किलिंग वाला स्कीम है, दूसरी फेज टू वाला स्कीम जो शुरू हो रहे हैं उसके इसमें कुछ कमियां हैं। वैसे जिस तरह इक्विपमेंट के बारे में देखा, इक्विपमेंट में कमियां हैं और बाकी मीडियम साहब भी बोल रहे हैं इसका जो इंश्योरेंस वगैरह करना है उसका भी बारे में हमने, और बाकी ये पर्सनल तौर से पर्सनल नॉलेज से हम एक वेबसाइट भी डेवलप करेंगे। उस वेबसाइट में हर एक का नाम वगैरह होगा, उसका फोटोग्राफी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, उसके साथ हम डायरेक्टली दिल्ली से ही बात कर सकते हैं और हो सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री भी आपके साथ मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। ये मेरे बहुत थैंक्स है सारे के लिए और मित्रों को जो जितना स्टाफ वगैरह लगा इन लोगों को मेरे ख्याल 2-3 दिन से तैयार कर रहे हैं। हम आके बैठे शेड में अंदर बैठते बट आप लोगों को देख के हमको दुखी लग रहे थे, बट इन्हें भी अब हिम्मत है, ये भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। जिस तरह धूप में ऐसे खड़ा होने भी एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। तो सर भी इनफैक्ट डिफेंस का साइड से इनको भी पता नहीं कैसे होता है ट्रेनिंग वगैरह। कुछ लोगों को बॉडी कमजोर है, थोड़ा खाना अच्छी तरह खाना, बट ये बता रही खाना बिल्कुल ठीक तरह खा रहे, सब कुछ फिट है। सो इससे आपका ब्लेसिंग्स हमको मिलना चाहिए, आपसे हमसे बड़ा है वैसे, बिकॉज आप में जो सेव करते हैं आप लोग जो किसी को बचाते इससे और कोई जिससे जो बड़ा और कोई नहीं हो सकता। सो सब लोगों में धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू सो मच। मैं निरीक्षक डी पी चंद्रा, आर एस सी गोरखपुर, 11 NDRF वाराणसी। कि आप जानते हैं कि एक 14 दिवसीय जो ट्रेनिंग था आपदा मित्रों का NDRF वाराणसी में इनको दिया गया था 2018 में, और साथ ही साथ बीच बीच में इनको और रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी दिया गया था। आज एक फ्लड प्रिपेयरनेस पे NDRF SDRF PAC और आपदा मित्र का एक संयुक्त अभ्यास हुआ गया, जिसका मुख्य उद्देश्य आपस पे जो सामंजस्य है तालमेल बिठाया जा सके और किसी भी प्रकार के डिजास्टर होती है तो जितनी भी रिस्पॉन्स एजेंसियां हैं और डिस्ट्रिक्ट के स्टेक होल्डर हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें और लोगों को सुरक्षित रखें। क्या कुछ प्रदर्शन किया गया है इसके? इसमें जनरली एक बोट कैपेसाइज का सीन क्रिएट गया था, एजुकेशन किया गया था और किस तरीके से हम घरेलू संसाधन के द्वारा इम्प्रोवाइज राफ्ट बनाते हैं और उस राफ्ट का बाढ़ के दौरान हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इन सभी चीज़ों का एक प्रदर्शनी दिखाया गया था। ये मॉक ड्रिल हम लोग आपदा मित्र की तैयारी देखने के लिए, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि गोरखपुर जनपद में आपदा मित्र के 200 की संख्या में उनको प्रशिक्षित किया गया है और किस हिसाब से उनकी तैयारी है, किस हिसाब से अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी तो किस हिसाब से आपदा मित्र का समुचित SDRF के साथ NDRF के साथ उनको हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम जान और माल की हानि का कम से कम क्षति हो सकती है और कैसे उसको रोक सकते हैं। गोरखपुर के आपदा मित्र ने आज जो प्रदर्शन करके दिखाया है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? गोरखपुर के आपदा मित्र निश्चित ही तौर पे सारे के सारे जुझारू और जो सिलेक्शन है आपदा मित्र का गोरखपुर में जो बच्चे हैं, क्योंकि उन लोगों को उन्हीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लिया गया है तो उनको यहाँ पर
भौगोलिक स्थिति का, यहाँ के टेरेन का एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनके पास है। उनको ये मालूम है कि किस तरह का नदी का कहाँ कहाँ पर भराव ज़्यादा होगा या पानी बढ़ने की स्थिति में कहाँ कहाँ पर ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी यूज़फुल है या काफ़ी ज़रूरत की साबित होती है जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। और गोरखपुर के आपदा मित्र, दूसरी बात यह है क्योंकि उन लोगों ने ट्रेनिंग जाके 11 बटालियन NDRF में करी और SDRF से भी जुड़े रहे, तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो निश्चित तौर पे जितने भी आप लोगों के यहाँ पर घाट से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं, गंगा मेला या आपका ये कार्तिक स्नान या जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं, उसमें आपदा मित्र का उपयोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहा है और निश्चित ही तौर पर आगे भी होता रहेगा। जो राप्ती नदी पर जो मुक्ति धाम है, यहाँ पर आपदा मित्रों के माध्यम से एक मॉक ड्रिल कराई जा रही है। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर जब बाढ़ आ जाती है तो कैसे उसका बचाव किया जाता है, या कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा होता है तो कैसे उसको बचाया जाता है, इसमें आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण NDMA के मेंबर साहबान, सेंट्रल गवर्नमेंट के संयुक्त सचिव साहब आए हुए हैं। मौके पर NDRF है, SDRF है, PAC है, आपदा मित्र है, कई कार्यक्रम हुए और ये दिखाया गया कि वास्तव में अगर बाढ़ जब होती है उसमें किसी प्रकार की दुर्घटना होती तो कैसे बचाया जाता है। इस दौरान प्रशिक्षण तो पहले से दिया गया था, जो प्रशिक्षण दिए गए थे उन्हीं का आज प्रदर्शन किया गया है। इसमें NDRF है, SDRF है, PAC है और हमारे यहाँ 200 आपदा मित्र हैं गोरखपुर में, सभी तहसीलों से आए हुए लोग हैं और इसमें दीनदयाल गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी बच्चे हैं जो आपदा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, वो भी इसमें सम्मिलित हैं।